हुई। दीपक सिंह को परिवर्तन चौक से गिरफ्तार किया गया और इको गार्डन से अभी अभी अजय कुमार लल्लू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जरूर है कि जो इको गार्डन के आसपास कांग्रेसियों का प्रदर्शन था वो काफी ज्यादा उग्र रहा, वहां पर गाड़ियां भी जलाई गई और जो प्रदर्शन रहा उसमें कांग्रेसी काफी ज्यादा रहे, हालांकि किसान भी काफी संख्या में यहाँ पर जरूर शामिल हुए, लेकिन जो काफी किसान थे वो बॉर्डर के पास ही रोक लिए गए। तो ये कहा जा सकता है कि रणनीति कांग्रेस की क्या है इस बारे में, क्या कांग्रेस आर पार के मूड में लग रही है? और इसके साथ ये बताइए कि क्या झड़प की स्थिति बनी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में गिरफ्तारी के दौरान? बिल्कुल झड़प की स्थिति हुई, जरूर झड़प की स्थिति हुई और उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि कांग्रेसी राजभवन की तरफ जाना चाहते थे और पुलिस जो है वो राजभवन पे नहीं जाने देना चाहती थी। पूरी तरह से राजभवन का जो पूरा इलाका था उसको सील्ड किया गया था, बैरिकेटिंग के जरिए से पूरी तरह से चारों तरफ ब्लॉकिंग कर दी गई थी, तो वहां पर न जाने देने को लेकर के ये पूरी झड़प रही है। हालांकि काफी बाहरी इलाकों में ही गिरफ्तार कर लिया गया जो भी कांग्रेसी नेता थे और कांग्रेसियों का साफ कहना है कि इस बात को लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी से जब मेरी बात हुई जब हाउस अरेस्ट हुए, उन्होंने साफ किया कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी 24 घंटे के अंदर इस बिल को वो तुरंत समाप्त करेंगे, उनकी पहली मंत्रिपरिषद की बैठक में ये महत्वपूर्ण होगा। हालांकि ये जरूर है कि बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सिर्फ लखनऊ में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कृषि कानूनों को लेकर विरोध हो रहा है, कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं।